नमस्कार। कल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले एसटी हसन साहब ने इस बात पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी कि नरेंद्र मोदी के नवगठित मंत्रिमंडल में किसी मुसलमान को जगह नहीं दी गई। एसटी हसन ने कहा कि ये देश की एक बड़ी आबादी की उपेक्षा की गई, मुसलमानों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। ऐसे ही स्वर अन्य विपक्षी दलों की ओर से भी उठ रहे हैं। राहुल गांधी का नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चुनाव में। इंडिया अलायंस का यही सूत्रवाक्य था और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी का मंत्र था पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अब एक दूसरे किस्म की राजनीतिक चर्चा सूबे में शुरू हो गई। देश के स्तर पर भी ऐसी चर्चा है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा, सूबे में एक चर्चा शुरू हो गई कि भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, तो इस अब वो कन्नौज से सांसद चुन लिए गए, इसलिए लोकसभा में रहेंगे। तो इस नाते अब विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता का पद खाली हो गया और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता होगा वही उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा, उसी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन एक बड़ा पद है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक औरा है, तमाम सुविधाएं हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। तो अब चर्चा इस बात पर शुरू हो गई कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में किसी अपने मुस्लिम विधायक को आगे करेंगे, नामित करेंगे। अभी तक अखिलेश जी खुद थे नेता प्रतिपक्ष, अब उन्होंने छोड़ दिया विधायक की, इसलिए ये कुर्सी खाली हुई। तो अब चर्चा ये सुबुगाहट ये शुरू हो गई है कि क्या अखिलेश यादव ऐसा करेंगे, क्योंकि पीडीए की जो परिभाषा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके नाते भी ये चीज जरूरी हो जाती है। और भाजपा ने किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया, इस आक्षेप में धार भी तभी आती है जब ऐसा कोई दांव चल दे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आजम खान साहब के बाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा दर्जा किसी को मिला नहीं। तो क्या इस बार अखिलेश यादव ये पत्ता चल सकते हैं? अल्पसंख्यक समाज का वोट आंकड़े बताते हैं कि उनको 92% मिला है इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में, 92% से ज्यादा, यानी वोट में तो कोई कसर रही नहीं, सबकी सब वोट आपको ही मिल गया, लगभग 5-6% छोड़कर 100 में। तब मुसलमानों का हक भी बनता है और आपका फर्ज भी बनता है कि जिस तबके ने आपको 92-94% वोट दिया है, उस तबके को कुछ बड़ा मिले, कुछ मजबूत मिले, कुछ ऐसा मिले जिससे उसकी हौसला अफजाई हो। तो अभी समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए
तात्कालिक तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा है, वो जिसको भी अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता बना दे पार्टी, वही नेता प्रतिपक्ष हो जाए। और हां, एक स्कोप लोकसभा में भी है समाजवादी पार्टी के पास, और वो स्कोप है कि समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का नेता। राज्यसभा में अभी रामगोपाल यादव नेता है समाजवादी पार्टी के, लोकसभा में माना जा रहा अखिलेश जी खुद रहेंगे तो वो होंगे नेता। लेकिन अगर यहां भी उनको अल्पसंख्यक को कुछ संतुष्ट करना हो, कुछ प्रस्तुत करना हो, तो यहां उनके पास रामपुर से जीते दिल्ली वाले इमाम साहब हैं, उनको वो यहां अपनी पार्टी का संसदीय दल का नेता बना सकते हैं लोकसभा। और इंडिया, पूरे इंडिया अलायंस के पास एक विकल्प है कि लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा कांग्रेस के सामने मुख्य रूप से विकल्प है। कांग्रेस के पास अब 10 साल बाद, एक दशक बाद ऐसा अवसर आया है, इतनी संख्या उनको मिली है लोकसभा में कि वो अपना नेता विपक्ष चुनवा सके, मनोनीत करा सके, नामित करा सके। कुल सदन की कुल संख्या का 10% आपके पास होना चाहिए, 10% या उससे अधिक, तब नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी हो सकती है। तो इस बार 99 सीट है कांग्रेस के पास, नेता प्रतिपक्ष आराम से बन रहा है। राहुल गांधी जी भी अगर खटाखट 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 इस कुर्सी पर किसी अल्पसंख्यक को बैठाने का फैसला कर ले तो मेरे ख्याल से लोकसभा में ये इतिहास बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि पहले कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है तो इतिहास बन जाएगा। और कांग्रेस और राहुल गांधी और खड़गे साहब ये दावा भी कर सकेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारे मन में कितनी संवेदना है, कितना प्यार है। और फिर मोहब्बत की दुकान का जो नारा है वो और सुर्ख हो जाएगा, भाई इससे बड़ी मोहब्बत की दुकान और क्या हो सकती है कि राहुल गांधी अपना क्लेम पीछे लेकर किसी अल्पसंख्यक समाज के लोकसभा सदस्य को नेता विपक्ष का दर्जा दिला दें। तो अब राजनीति इस पर घूम रही है कि भाजपा ने अपने नेतृत्व में बनी इस नई सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम सदस्य को कुछ नहीं स्थान दिया, इस आरोप के साथ साथ अब चर्चा इस पर भी हो रही है। ये आरोप विपक्ष के दल लगा रहे हैं, तो उनके साथ ही चर्चा मुस्लिम समाज के बीच में ये भी हो रही है कि उन्होंने न दिया न सही, आप तो दो, आपका क्लेम है कि हम आपके हैं तो आप तो दे के दिखाइए। तो बस वहीं पर सारी चीजें अब जाके टिक गई है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा किसी अपने किसी मुस्लिम विधायक को देंगे। ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।